सिवनी जिले में वन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। केवलारी तहसील मुख्यालय के वन माफिया द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर वन और राजस्व भूमि की सफाई की जा रही है। इस दौरान माफियाओं ने सैकड़ों की तादाद में सागौन और दूसरे पेड़ काट दिए, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस बारे में किसी भी वन विभाग के अधिकारी को जानकारी तक नहीं लगी। सैकड़ों पेड़ जंगल से गायब हो गए, जिसके बाद अब वन विभाग के अधिकारी जाँच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि केवलारी तहसील के चार गांव के वन अंचलों में बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ पाए जाते हैं और माफियाओं की इन पर नजर रहती है, इसलिए वो बेशकीमती पेड़ों को सुखाकर लकड़ियां काटने में लगे हुए हैं। जंगलों में कटाई ढुलाई के लिए कुल्हाड़ी आरे के अलावा जेसीबी मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है। धड़ल्ले से सागौन सहित दूसरे पेड़ों की लकड़ियां काटकर उनका परिवहन हो रहा है, लेकिन अभी तक मामले में वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि जहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है वो राजस्व और फॉरेस्ट का ही क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि जब सैकड़ों पेड़ों की कटाई हो गई तब वन विभाग के अधिकारी सतर्क हुए। अब एसडीओ पीके श्रीवास्तव जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मामला सामने आने के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी केवलारी की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चमरू किसान है चरगमा में, इसने हमारा एक आरक्षित वन है 522 नंबर कंपार्टमेंट, उससे लगा हुआ इसका क्षेत्र है, तो इसने कुछ सागौन और सतकटा की बल्ली काट के वन अपराध किया है। इसकी विवेचना भी जारी है, लकड़ियां जब्त हो गई हैं और लकड़ियों को हम अपनी अभिरक्षा में ले चुके हैं। अब इसका ठोट मिलान जंगल में करेंगे, किस कंपार्टमेंट का है वास्तव में, अभी तो समझ में आ रहा है 522 का है। कैनन न्यूज के लिए सिवनी से राजकुमार पांडे की रिपोर्ट।